नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समय 20 लाख रोजगार का जो वादा था वो अब कहीं न कहीं धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल पांडे की तरफ से एक बयान दिया गया है, यानी जानकारी दी गई है कि बिहार में 30,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की बहाली होगी, जिसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सरकार 30,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति करने जा रही है। करीब 6,500 सामान्य और विशेष डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 और 22 के सितंबर के मध्य तक विभाग ने 6338 सामान्य और विशेष डॉक्टर की नियुक्ति का मंजूरी प्राप्त किया है। इसके अलावा 3270 आयुष डॉक्टरों की भी बहाली होगी। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी पद्धति के चिकित्सक भी होंगे। करीब 14,000 ANM और GNM की भी बहाली अगले 2 महीने में करने के विभाग की योजना है। इससे 4671 GNM और 9233 ANM है। इन पदों के साथ ही तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 व्यक्ति की आबादी पर एक डॉक्टर होनी चाहिए। इसके विरुद्ध देश में 1456 लोगों पर एक डॉक्टर है। वहीं बिहार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के अनुसार 28,391 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। यानी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य महकमा कई अहम कदम उठा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में 30,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया है। यानी सीधा सीधा कहें तो चुनाव के समय जो 20 लाख रोजगार का वादा था वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। और तीसरी लहर जो आने वाली है, कोरोना की तीसरी लहर कई देशों में आ चुकी है। अब बिहार सरकार भी इसको लेकर तैयार है और उसकी जो स्वास्थ्य विभाग में जो नाकामियां हैं, जो सरकार की नाकामियां अभी तक दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं अब उसको पूरा करने का प्रयास जारी है। जिस तरीके से 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की स्थिति में सुधार आएगा, जिसको लेकर बिहार सरकार इस बार तत्पर दिखाई दे रही है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।